अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शिमल डी आई वाई एंड क्राफ्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे एक हेयर हेडबैंड जो कि बे न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए है। इसका साइज़ है वो आप आपको अपने अकॉर्डिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने सबसे पहले एक कार्ड शीट ली है, कार्ड शीट और ये एक फ्यूजिंग पेपर लिया है जो कि गलों पर चिपकाने के लिए फ्यूजिंग पेपर यूज़ होता है, वही वाला ये फ्यूजिंग पेपर है। तो इसके ऊपर हम कार्ड शीट को इस तरह से रख के इसको इस तरह से प्रेस कर लेंगे। ये मैंने प्रेस कर लिया है। तो इसका सेंटर पार्ट निकाल के हम इसके अंदर इस तरह से एक शेप दे लेंगे। आप चाहें तो इसको चकोर भी रख सकते हैं, आप चाहें तो इसमें जिगजैग भी डिज़ाइन डाल सकते हैं, और जो भी आपकी मर्ज़ी हो आप उसमें वही डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको पूरा कट कर लीजिएगा। तो ये पूरे माथे पे इना पे ही आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने रिंग यूज़ करे हैं, इस तरह से मैं इस पर पूरे पर रिंग लगा लूँगी। बहुत ही ईजी और आसान तरीके से बनेगा। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा होगा तो मेरा चैनल लाजमी विज़िट कीजिएगा इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। मैंने बहुत सारी अच्छे अच्छे हेयर बैंड वगैरह बेबीज़ के हिसाब से बनाए हैं, हेयर क्रेप और हेयर एक्सेसरीज जो है वो बड़ी लड़कियों के लिए, गर्ल्स या फिर वुमेंस के लिए। हेयर एक्सेसरीज भी अवेलेबल है मेरे चैनल पे। तो बहुत ही आसान और इजी तरीके से बनाने के तरीके हैं। आप मेरे चैनल को लाजमी विज़िट कीजिएगा, और अगर विज़िट करने के बाद पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यहाँ पर जो है मैंने एक लाइन क्रिएट कर दी, दूसरी जो है वो मैं पल्स की लगा रही हूँ। इसी तरह से आपके पास जो भी अवेलेबल हो, नक पल्स वगैरह जो भी हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी बेबीज़ के जो ड्रेसेस पे लगी हुई लेसेस का बच्चे के टुकड़े में वो भी आप यहाँ पे लगा सकती हैं। तो ये देखिए मैंने दोनों लाइन जो है क्रिएट कर ली है। अब मैं इसको कैंची की हेल्प से इसकी फिनिशिंग दे दूँगी, क्योंकि फोर्थ लाइन जो मैं इसके ऊपर क्रिएट करूँगी वो बिल्कुल बारीक सी होगी और वो इसके बॉर्डर का काम करेगी। तो इस तरह से मैं इसको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ करीब करीब से कट कर लूँगी। ये देखिए मैंने कट कर लिया। अब ये मेरे पास बॉल चेन है। अब मैं इसको बॉल चेन को यहाँ पे दोनों साइडों पे इसके पेस्ट कर दूँगी। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही ईजी और आसान तरीके से बनने वाली हेयर बैंड तैयार है। ये देखें बिल्कुल इसी इस तरीके से बिल्कुल बराबर बराबर यहाँ से इसके लगाने। यहाँ पे ये जो ब्रेसलेट में यूज़ होता है रबर बैंड, मैंने वो यूज़ करा है। यहाँ पर इस तरह से इसको मैं एक नोट टाई करके इसके अंदर से एक फंदे टाइप का ले लूँगी जिसे बोलते हैं, ताकि ये बिल्कुल सिक्योर हो जाए निकले ना कहीं से। तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है रबर बैंड, तो इस तरह से आप लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर हम जितना बड़ा हमारे को ये चाहिए रबर बैंड उस हिसाब से हम इसका यहाँ पे स्पेस देके दूसरे साइड के कॉर्नर से, फर्स्ट कॉर्नर से दूसरे साइड के कॉर्नर तक हम इसको टाइट कर देंगे, मतलब फंदा देके इसको टाइट कर देंगे। अब यहाँ यहीं से दूसरा वाला साइड पर मैं कॉर्नर पर धागा लूँगी और रबर बैंड लूँगी, और दूसरा भी इसी के बराबर हम कॉर्नर पे साइड कर लेंगे। दोनों कॉर्नर के साइडों पे इस तरह से लेने ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम दोनों साइडों के कॉर्नर पे नहीं लेंगे तो फिर ये थोड़ा सा इसमें उखड़ा उखड़ापन लगेगा, और अगर बीच में से लेंगे तो कॉर्नर जो है ना वो साइड खड़े हो जाएंगे। और अगर दोनों कॉर्नर को हम इस तरीके से सिक्योर कर देंगे, आप इसे अपने बेबीज़ के सर के अकॉर्डिंग भी मेजर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए बहुत मजबूत है। उम्मीद आपको सबको वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।